शराब पीने के लिए पेट्रोल पंप पर कर्मचारी से मांगे रुपए, मना करने पर कर दी मारपीट, कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने पेट्रोल पंप पर अवैध वसूली करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि 26 अगस्त की रात्रि में मंगलवार बायपास स्थित पेट्रोल पंप पर दहशत फैलाई गई थी। 27 अगस्त को राहुल पुत्र कैलाश धाकड़ निवासी चंद्रपुरा ने थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह गीता फिलिंग स्टेशन ग्वालियर बायपास पर काम कर रहा था, तभी वहां पर ठकुरापुरा के दो लड़के मौसम करारी और स्वदेश करारी और शराब पीने के रुपयों की मांग करने लगे। जब रुपए देने से मना कर दिया तब मारपीट कर दी। इसकी शिकायत के बाद 28 अगस्त आज दोनों आरोपी मौसम करारी और स्वदेश करारी निवासी ठकुरपुरा को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 27/8/24 को राहुल धाकड़ निवासी चंदनपुरा जो गीता फिल्म स्टेशन ग्वालियर बाईपास जो पेट्रोल पंप है उसे फिल्म का काम करते हैं, इन्होंने थाने पर रिपोर्ट लिखाई कि 26/8/24 की रात्रि लगभग 10:30 बजे मौसम करारे व स्वदेश करारे ये दोनों व्यक्ति पेट्रोल पंप पर आए और पेट्रोल भराने के लिए इन्होंने अड़ीबाजी की एवं मारपीट की। जो घटना के बाद से ही राहुल ने इनके संबंध में जानकारी प्राप्त कर इनके नाम पता किए जो ठकुरपुरा के रहने वाले निकले। जो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों पर धारा 119(1), 296(3), 351 और 3(5) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एवं जो इनके द्वारा पेट्रोल पंप पर जो दहशत फैलाने का काम किया गया इस एवज में इनको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और पुलिस लगातार असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई करती रहेगी।